हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं हूं नितिन और आज की वीडियो में हम सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि उसकी लास्ट डेट कब है एंड कैसे फिल करते हैं, उसकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके सर्च बार में SSP पोर्टल सर्च करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कुछ ऐसे इंटरफेस पर पहुँचेंगे। यहाँ पर हम अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, वेबसाइट को लोड होने देंगे, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम फंक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम रजिस्टर फॉर एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। गाइज, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इसे आप रीड आउट कर लेना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। एंड मैं आपको इसमें इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट डेट इसकी विदाउट लेट फीस 24 फरवरी है एंड विद लेट फीस 3 मार्च 2023 है। यह आप देख सकते हो डेट और टाइम आपके एग्जामिनेशन की। प्लीज़ इसे नोट डाउन करके रखें और उसी हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान बना के रखें। एंड आपको जैसा कि पता होगा कि पेपर 2 एंड 4, 6, 7 ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें 30 मार्क्स के एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। ये एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि 1500 सिंगल ग्रुप के हैं एंड 2700 बोथ ग्रुप के हैं। 600 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप 24 फरवरी से बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दी गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसे इंटरफेस पर पहुँचेंगे। यहाँ पर हमें गाइज अपनी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अगर आपको यही रखने हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं रखने चेंज करने हैं तो नो करेंगे। जैसे कि हमें चेंज नहीं करना तो हम यस करेंगे, फिर उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपनी एक बार पर्सनल डिटेल चेक कर लेंगे कि कोई गलती तो नहीं है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। गाइस, डू यू हैव एनी वैलिड पेपर एग्जेम्पशन में तब यस सेलेक्ट करेंगे जब हमारी लास्ट अटेम्प्ट में किसी भी पेपर में एग्जेम्पशन आई हो, तो यस करेंगे, अगर नहीं आई तो नो करेंगे, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो नो करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो नो करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मीडियम ऑप्टेड में इंग्लिश और हिंदी अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद हम सेंटर डिटेल में अपनी ग्रुप 1 के पेपर देना चाहते हैं या ग्रुप 2 के देना चाहते हैं या बोथ ग्रुप के, अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम रीजन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड ओवरसीज़ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे जिस स्टेट में हमें एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपने सिलेक्ट कर करके अपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर देख लेंगे जहाँ पर हम अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। फिर उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर हम अपनी फ़ीस डिटेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद हम कुछ ऐसे इंटरफेस पर पहुंचेंगे। यहां से हम अपनी पेमेंट कंप्लीट करेंगे। आप यहां से QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पेमेंट कर दी थी, फिर उसके बाद हमारे को ऐसा एरर आ रहा था, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे SSP पोर्टल पर। यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, वेबसाइट को लोड होने देंगे, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम फंक्शन पर क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम फंक्शन पर क्लिक करने के बाद हम सबमिट पेंडिंग फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, एक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली आ रहा है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल की भी डाउनलोड करनी है कि हमारी क्या क्या डिटेल फिल हुई है, तो फिर उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से हम अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेंगे।
गाइज अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।